उनको किसी ने ध्यान नहीं बताया, उनको किसी ने ये नहीं बताया कि ये एक जीवन का ढंग है, वो उनके लिए एक प्रोफेशन है, उनके लिए जॉब है और उनके अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने का एक माध्यम है। वो हैं तो वही के वही, उनको पता नहीं। ये तो उदाहरण हम दे रहे हैं कि ऐसा है, कितना सुंदर है, लेकिन वो शायद नहीं उसको जान पा रहे हैं। उससे मिलने वाली प्रसिद्धि से वो अपने को जोड़ रहे हैं, उससे मिलने वाली जो सफलता है उससे वो अपने आप को जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा भयभीत होते चले जाते हैं। लोग उस छवि के कारण उससे प्रेम करने लगते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जागरूक होता है, वो ये जानता है कि ये उस छवि के कारण मुझसे प्रेम कर रहे हैं, मुझसे सचमुच में प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो वो शांत हो सकता है। लेकिन कभी कभी लोग उस छवि को अपना ही मान बैठते हैं, अपना ही मान बैठते हैं, बस उसी क्षण दुर्घटना हो जाती है। तो ये हर जगह अध्यात्म में भी है। अब अध्यात्म में देखो क्या है कि एक खास किस्म का अनुयायियों का ग्रुप पैदा होता है और वो मानता है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, तो वो बड़ा सम्मान उसमें डालता है। इसीलिए मैंने देखा गुरु लोग बहुत भयभीत लोग होते हैं। फिल्म स्टार्स के बाद सबसे ज़्यादा भयभीत जो दूसरा प्राणी है वो आध्यात्मिक गुरु, वो भी छवि से चलता है, लगातार अपनी छवि बनाए रखने कोशिश करता है कि सेटिस्फाई रहें सारे लोग, संतुष्ट रहें कि मैं उनकी छवि से ही जी रहा हूँ, क्योंकि अगर उनकी छवि से तुम नहीं जिए तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, मान्यताएं टूट जाएंगी और फिर ये रोल प्लेइंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए सारे गुरुओं ने भी एक खास किस्म का अभिनय अख्तियार कर लिया है, फिल्म वालों ने कर लिया है, राजनेताओं ने कर लिया, सब एक ही तरह से परेशान बस इसलिए हैं क्योंकि वो इस तथ्य को जानते नहीं कि ये बस ऐसे ही है, ये ड्रामा है, वास्तविकता तो कुछ फर्क है। वास्तविकता अगर आध्यात्मिक गुरु के तौर से देखी जाए तो वास्तविकता इतनी है कि एक व्यक्ति करुणापूर्ण है, संवेदनशील है, उसने जो जाना है वो तुमसे भी शेयर करना चाहता है कि तुम भी उन बातों को जान सको जिन बातों से उसके जीवन से दुख गया, उलझन गई, शायद तुम्हारे भी काम आ जाए। ज्ञान देने की उसकी कोशिश नहीं कि तुमको कोई खास ज्ञान देना वो चाहता है, ये तो बस एक करुणा का या प्रेम का व्यवहार कह सकते हैं, इतना भर। इसको जो जान लेता है फिर उसके लिए कोई छवि नहीं है, वो किसी भी छवि में हो सकता है। मैं तो ऐसे वक्त की कल्पना करता हूं जब गुरु फिल्म एक्टर भी हो, क्यों नहीं हो सकता, गुरु शॉपकीपर भी हो, गुरु किसी खास जॉब में भी हो, कुछ भी हो और गुरु हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कई खास ढंग से जीना जरूरी नहीं है। वो जाग गया है, उसके अंदर जागृति आ गई है और वो कहीं खास जगह से तुम्हें इशारे दे सकता है, बातें बता सकता है। ऐसे ही एक बार कोई मुझसे कह रहा था कि किसी की तस्वीरें देखकर कि ये किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की नहीं है तो किसी फिल्म स्टार की तस्वीर है। तो मैंने उससे पूछा कि फिल्म स्टार आध्यात्मिक क्यों नहीं हो सकता, क्या बुराई है उसमें आध्यात्मिक होने में, आध्यात्मिक व्यक्ति को बिल्कुल अलग ही क्यों होना चाहिए। और चूंकि हमने ये माना है इसीलिए लोगों के आध्यात्मिक होने के रास्ते बंद कर दिए। जो जहां है जैसा है वहीं पर वो गुरु का रोल प्ले कर सकता है। कितना अच्छा हो कि घर में एक स्त्री है, सामान्य रूप से वो जो भी काम कर रही है, माँ का रोल कर रही है, पत्नी का रोल कर रही है, कोई भी रोल कर रही है, अगर वो जाग गई है तो वहीं से गुरु का काम कर सकती है। गुरु का मतलब समझें, गुरु का मतलब यही है कि वो व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है और वो ये चाहता है कि जिन
अंधेरों से वो गुजरा, अगर तुम उसका इशारा समझ सको तो शायद तुम उन अंधेरों से न गुजरो। जिन उलझनों से वो गुजरा था शायद तुम्हें उनसे बचा सके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये ना किसी नई विचारधारा का झंडा गाड़ना है, ना किसी नए समुदाय का निर्माण है, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बस अपेक्षा इतनी है कि कुछ ऐसे रास्ते थे, ऐसे ढंग थे जिनसे बहुत समस्याएं थीं, कष्ट थे, दुख थे, वो उनको देख चुका है, तुमसे शेयर कर रहा है, तुम चाहो तो उनसे बच सकते हो। बस इतना है, बाकी बातें कल, आज के लिए इतनी।